hello guys i am social media here all topics for medical laboratory technician is here so let us play the video today we are discussing about coom test guys this is the part 2 video for coom test in the part 1 video i was describing you the coom test History introduction. What is anti RBC antibodies and Coombs reagent? Also, so in this video we will describing you direct Coom test and indirect Coom test. So let us start. So guys, basically Coom tests are divided into two different tests. First is direct Coom test and second is indirect Coom test. Principle of Coom test. Principle I told firstly. बिकॉज इन बोथ टेस्ट डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट क्यूम टेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम दैट इज़ वाई आई टोल्ड फर्स्टली प्रिंसिपल गाइज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है इसीलिए हम प्रिंसिपल को सबसे पहले जानेंगे सो लेट एस स्टार्ट

an additional antibody which react with the fc portion of the igg antibody must be added to the system this form a bridge between the antibodies or complement coating the red cell causing agglutination so guys इन ऑर्डर फॉर अग्लूटिनेशन कराने के लिए हमें एक एडिशनल एंटीबॉडी ऐड करना होता है जो एंटीबॉडी उस आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से अटैच होता है और एक ब्रिज बन जाता है एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट के बीच में और काउस करता है अग्लूटिनेशन को सो so गैज इसका प्रिंसिपल बहुत इजी ईजी है मैं स्टीकर के माध्यम से एक बार और आप लोगों को समझाता हूँ सपोज करिए एक नॉर्मल आर है ठीक है मान लिया कि अगर किसी पर्सन में हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो गया तो उसकी जो आई एंटीबॉडीज़ है वो रेड ब्लड सेल से अटैच होगी सो इसे हम कहते हैं रेड सेल सेंसिटाइज विद आई अब गाइस आई की प्रॉपर्टी में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि एग्लूटिनेशन नहीं करती है क्यों नहीं करती है इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा सो गाइस so, एग्लूटिनेशन नहीं करती आई जी जी सो हमें एक सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच करना होगा और उसके लिए हम कुम्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं सो so, ये कुम्स एंटीबॉडी जो है ये जाएगी अटैच होगी एफ सी पोर्सन पर इस आई जी जी एंटीबॉडी के और काउस करेगी एग्लूटिनेशन को डायरेक्ट क्रम टेस्ट सो so, गाइज हमने प्रिंसिपल को देख लिया है डी सी टी के अब हम जानेंगे डी सी टी का यूज़ क्यों करते हैं सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इन वीवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड सेल्स अब आप गाइस पूछेंगे व्हाट इज वीवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड सेल तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस वीवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड सेल का मतलब होता है वो आरबीसी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेंसिटाइज हो जिस पर आईजीजी मॉलिक्यूल्स अटैच हो जिसके आरबीसी के सरफेस पे उसी को हम कहते हैं वीवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड सेल ये कौन सी कंडीशन होती है ये मैं आगे बताऊंगा जिसमें आर पे के सर्फेस पर आई एंटीबॉडीज अटैच होती हैं नाउ वॉट इज दर्पज ऑफ डी सी टी हम डायरेक्ट कुम टेस्ट को क्यों यूज करते हैं गाइज सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एंटी डी एंटीबॉडी अटैच विद आर बी सीज टू गेट सेंसिटाइज तो इसका हम यूज करते हैं परफॉर्म करते हैं ये टेस्ट टू डिटेक्ट डिटेक्ट करने के लिए एंटी डी एंटीबॉडी जो अटैच होती हैं आर बी सी के सर्फेस पे उसे सेंसीटाइज करती हैं हम उसी को डिटेक्ट करते हैं डायरेक्ट कोम टेस्ट में द एंटी डी अटैच विद सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन सो गाइज एंटी डी एंटीबॉडी आर बी सी के सरफेस पे अटैच होती हैं उसकी फॉलोइंग कंडीशन है जो हम सेकेंड स्लाइड एप्लीकेशन में आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट क्रोम टेस्ट सो गाइज डी सी टी फॉलोइंग जो कंडीशन थी वो ये है एच डी एन हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न दैट इज आल्सो कार्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस सेकेंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन प्रॉब्लम ड्रग इनड्यूस सेंसिटाइज आर बी सी एंड आउटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया दिज आर दंडीशन वेयर वी अप्लाइड डायरेक्ट कूम टेस्ट नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसीजर ऑफ डी सी टी test tube 10 into 75 mm swage centrifuge machine anus that is normal saline pipette, tips and incubator specimen 2 ml edta blood is preferred we can also use oxalate blood reagent anti human globulin also called coom serum is used procedure of direct coom test so firstly we prepare 5% सेल सस्पेंशन ऑफ द रेड ब्लड सेल टू बी टेस्टेड सबसे पहले दोस्तों जिसका टेस्ट हमें लगाना है उसके रेड ब्लड सेल का हमें 5% परसेंट सेल सस्पेंशन बनाना होता है रेड सेल सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं यह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा देन सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा विथ क्लीन पास्चर पीपेड एड वन ड्रॉप ऑफ द प्रीपेड सेल सस्पेंशन टू ए स्मॉल ट्यूब हमें एक स्मॉल ट्यूब में पाचर पीपेड की मदद से एक ड्रॉप जो हमने प्रिपेयर किया है सेल सस्पेंशन उसको डालना होता है वॉश थ्री टाइम्स विद नॉर्मल सिलाइन टू रिमूव ऑल द ट्रेशेज दैट इज़ अनवांटेड एंटीबॉडीज ऑफ सीरम देन थर्ड स्टेप में दोस्तों हमें वॉशिंग करना होता है थ्री टाइम नॉर्मल सिलाइन के साथ वॉशिंग का प्रोसेस भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा सो गाइस वॉशिंग का एम ये होता है टू रिमूव ऑल द अनवांटेड एंटीबॉडीज़ जो भी अनवांटेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सीरम में वो वॉशिंग से चली जाती हैं जिससे एरर के चांसेस नहीं रहते देन आफ्टर वॉशिंग डिस्कार्ड सुपरनेटेंट आफ्टर द लास्ट वॉशिंग लास्ट वॉशिंग के बाद जो हमारा डिस्का सुपरनेटेंट uh, होता है उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं देन एड टू ड्रॉप्स ऑफ एंटी ह्यूमन सीरम उसके बाद दोस्तों हम दो ड्रॉप्स एंटी ह्यूमन सीरम उस स्मॉल ट्यूब में डाल देते हैं इनक्यूबेट एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर फाइव टू टेन मिनट्स देन मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर वन मिनट्स एट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम इंक्यूबेशन के बाद दोस्तों हमें मिक्स करना है अच्छे से उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज़ करना है एक मिनट के लिए वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम राउंड पर मिनट पर देन री सस्पेंड द सेल बाई जेंटल एजिटेशन इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सेंट्रिफिकेशन के बाद हमें शेक करना है ट्यूब को देन एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली फॉर एग्लूटिनेशन देन लास्ट हमारा यही है दोस्तों कि हमें एग्जामिन करना है या तो हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं अपनी आंखों से या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से हम एग्लूटिनेशन को देख सकते हैं नो इंटरप्रिटेशन सो गाइज इन द इंटरप्रिटेशन वी लुकिंग फॉर एग्लूटिनेशन रिएक्शंस गाइस इंटरप्रिटेशन में हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस को देखते हैं रिजल्ट सो रिजल्ट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट सो निगेटिव रिजल्ट मीन्स नो क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इट मीन्स नो एग्लूटिनेशन एंड पॉजिटिव रिजल्ट इट मीन्स क्लम्पिंग ऑफ सेल्स अकर मीन्स एग्लूटिनेशन अकर सो फ्रेंड्स नेगेटिव रिजल्ट में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देता है और पॉजिटिव अगर रिजल्ट हम उसी रिजल्ट को कहते हैं जब हमें अग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखाई देते हैं तो हम उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट नाउ गाइज अब हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट के बारे में जानेंगे सो द आई सी टी इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम सो गाइज आई सी टी का हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए आर एच एंटीबॉडी को पेशेंट के सीरम में नाउ एप्लीकेशन So, ICT is used in pre transfusion testing, prenatal antibody screen, and when the Rh negative woman married with Rh positive husband, we use ICT. And when the Rh negative person received Rh positive blood, and when Rh negative mother carry Rh positive fetus, and when the abortion of Rh positive fetus, we use ICT test requirement for ICT procedure we require test tube 10 into 75 mm centrifuge musfine nas that is normal saline micro tips and incubator a specimen so we need serum for ICT procedure reagent we use anti human serum and anti d serum there is a additional reagent used in the ICT that is coombs control cell means pooled a positive cell how you prepare pooled a positive cell i was told in my previous video about pool cell preparation in the description i give a link also i told in hindi also so guys indirect Kum test perform karne ke liye hame requirement hoti hai test tube ki 10 to 75 mm दैन सेंटिफ्यूज मशीन एनएस स्लाइन माइक्रोपीपेड टिप्स और इंक्यूबेटर की इस पैसिफिन हमें सीरम चाहिए होता है रिएजेंट के तौर पे हम एंटी ह्यूमन सीरम एंड एंटी डी सीरम का यूज़ करते हैं आईसीटी के प्रोसीजर में एक एडिशनल रिएजेंट का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड पुल्ड ओ पॉजिटिव सेल या फिर हम उसे कोम्स कंट्रोल सेल भी कहते हैं कोम्स कंट्रोल सेल कैसे बनाते हैं मीन्स पुल्ड ओ पॉजिटिव सेल कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पुल्ड सेल सस्पेंशन में बताया है अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं Now procedure for ICT. So firstly guys, I told in English, So we take three test tube and mark as T that is test, positive control, PC and negative control NC. So suppose guys we have a three test tube and mark T, PC and NC. So for the procedure of ICT, the difference is only for only for one step. That is in the T test tube we add 2 drops test serum and in the PC tube we add 1 drop anti D serum and in the NC test tube we add 1 drop of normal saline. And the whole procedure is same that is add 1 drop prepare 5% pool O positive cell suspension in the T test tube as well PC test tube as well as NC test tube after adding incubate 1 hour at 37 degrees celsius then after incubation wash 3 times with normal saline washing procedure i told in my previous video about cell washing and pool cell suspension so after washing we add 2 drops coombe serum in each test tube एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आई टोल इन हिंदी ऑल्सो सो गाइज इनडायरेक्ट क्यूम टेस्ट का प्रोसीजर में सबसे पहले हमें तीन टेस्ट ट्यूब को लेना है मार्क करना है उसे टेस्ट पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल में उसके बाद गाइज सारा प्रोसीजर सेम होगा डिफ्रेंस होगा तो बस पहले स्टेप में जो कि टेस्ट में आपको लेना है टू ड्रॉप टेस्ट सीरम पॉजिटिव कंट्रोल के टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है वन ड्रॉप एंटी डी सीरम और निगेटिव कंट्रोल के टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है वन ड्रॉप नॉर्मल सिलाइन और बाकी का सभी प्रोसीजर सभी के लिए सेम होगा जैसे कि टू ड्रॉप टेस्ट सीरम डालने के बाद आपको टेस्ट के टेस्ट ट्यूब में वन ड्रॉप प्रिपेयर्ड फाइव परसेंट पूल ओ पॉजिटिव सेल सस्पेंशन डालना है सेम आपको पीसी में भी डालना है एनसी में भी डालना है उसके बाद आपको इंक्यूबेट करना है वन आवर के लिए थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे तीनों टेस्ट ट्यूब को देन आफ्टर इनक्यूबेशन आपको वॉशिंग करना है थ्री टाइम्स नॉर्मल सलाइन के साथ तीनों टेस्ट ट्यूब को वॉशिंग का प्रोसीजर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया बताया है पूल सेल सस्पेंशन में आप वहाँ से देख सकते हैं देन आफ्टर वॉशिंग एड टू ड्रॉप्स कुम सीरम इन ईच ट्यूब सभी टेस्ट ट्यूब में हमें दो ड्रॉप्स कुम सीरम ऐड करना है आफ्टर एडिंग द कोम सीरम वेट फाइव मिनट एंड सेंट्रीफ्यूज एट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम फॉर मिनट एंड आफ्टर देंट्रीफिगेशन प्रोसेस री सस्पेंड दल एंड एग्जाम इन माइक्रोस्कोपिकली एज वेल एज माइक्रोस्कोपिकली गायस कोम सीरम ऐड करने के बाद हमें पाँच मिनट वेट करना है और फिर तीनों टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना है एक मिनट के लिए एंड आफ्टर सेंट्रीफिगेशन प्रोसेस रीसस्पेंड द सेल करना है अपने टेस्ट ट्यूब को शेक करना है और एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोपिकली एज वेल एज माइक्रोस्कोपिकली इंटरप्रिटेशन सो इन द इंटरप्रिटेशन वी लुकिंग फॉर एग्लूटिनेशन रिएक्शन इंटरप्रिटेशन में दोस्तों हम एग्लुटिनेशन रिएक्शन को देखते हैं नाउ रिजल्ट सो पी सी ट्यूब पॉजिटिव कंट्रोल ट्यूब में गाइज ऑलवेज एग्लूटिनेशन शो होना चाहिए नॉर्मली बिकॉज अगर एग्लूटिनेशन शो होता है इसका मतलब ये हुआ टेस्ट आपका करेक्टली परफॉर्मड हुआ है इफ़ अगर पॉजिटिव कंट्रोल के टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपने टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है आपके कुंभ सिरम में कोई प्रॉब्लम है सो so, इस केस में आपको रिपीट करना पड़ेगा टेस्ट को फिर से एंड इन द एनसी नेगेटिव कंट्रोल टेस्ट ट्यूब शूड शो नो एग्लूटिनेशन उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देता क्यों नहीं दिखाई देता है? बिकॉज नॉर्मल सिलाइन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती नॉट टेस्ट सो गाइस, टेस्ट में एग्लूटिनेशन भी हो सकता है एग्लूटिनेशन नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन्स एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एग्लूटिनेशन होगा एंटीबॉडी नहीं होगी तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा सो इफ एग्लुटिनेशन ऑफर्स वी शे पॉजिटिव रिजल्ट पेशेंट सीरम कंटेन एंटी एंड इफ नो एग्लूटिनेशन डैट इज़ नेगेटिव रिजल्ट